हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगर एंड ट्रेलर पे। तो आज हम जानेंगे महाराष्ट्र में बनने वाला तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो बनेगा मुंबई से हैदराबाद की तरफ। ओके, पहला प्रोजेक्ट बनने जो अभी काम शुरू है मुंबई से अहमदाबाद, दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो बनने वाला है मुंबई से नागपुर, जिसका सर्वे, लिडार सर्वे का काम अभी शुरू है, और तीसरा प्रोजेक्ट है जो बनेगा मुंबई से हैदराबाद की तरफ जो पुणे से होकर गुजरेगा। इसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, और मुंबई से नागपुर जो बुलेट ट्रेन बनेगा उसकी छोटी एक अपडेट वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए चलते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। इस प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 750 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। ओके, मुंबई से हैदराबाद जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, इस रूट पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होगी वो लगभग 350 के आसपास होगी, और ट्रैवल टाइम जो है वो 3.5 मतलब 3.5 घंटे के आसपास इसका टाइम होने वाला है, जो तीन राज्यों से होकर गुजरेगी। मुंबई से शुरू होकर, महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू होकर तेलंगाना और हैदराबाद, कर्नाटक और फिर तेलंगाना में हैदराबाद तक ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जाने वाली है। इसमें पूरे 11 स्टेशन्स होंगे, जिसमें से 10 स्टेशन जो है वो नए डेवलप किए जाएंगे, जबकि मुंबई का जो स्टेशन है ये ऑलरेडी बन रहा है, जिसे उस कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर हम स्टेशन्स की बात करें तो मुंबई या नवी मुंबई में एक स्टेशन होगा, वहाँ से शुरू होकर लोनावाला, पुणे, दौंड, अकलूज, पंढरपुर, सोलापुर, उसके बाद कालाबुर्गी, जहीराबाद और हैदराबाद तक ये ट्रेन जाएगी। उसके बाद इस ट्रेन का जो रूट है ये आगे बाद में इसे एक्सटेंड करके चेन्नई तक ले जाने का प्लान बनाया गया है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट के खर्चे की बात करें तो ये प्रोजेक्ट का खर्चा जो है लगभग 1.4 लाख करोड़ आने वाला है, जो बाकी के ट्रेन के मुकाबले उतना ही होने वाला है। इसमें सिस्टम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम लोगों ने जैसे जाना कि इसकी स्पीड जो होगी मैक्सिमम 350 की होगी, उसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड होगी 320 की होगी, और एवरेज स्पीड 250 के आसपास चलेगी। इसका ट्रैक दिया गया है स्टैंडर्ड गेज का होगा, सिग्नलिंग दी गई है, इसमें ट्रेन कैपेसिटी पैसेंजर की होगी 750 की, फिर इसमें ट्रांजेक्शन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक होने वाला है। सेफ्टी की हम बात करें तो इसमें सेफ्टी दी गई है, जो अर्थक्विक डिटेक्शन इसमें लगाया जाएगा, अलार्म सिस्टम, अर्थक्विक आने के बाद ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लग जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं मुंबई से नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। एक छोटी अपडेट आपको देनी थी, सिकॉन और हेलिका जेवी जो कंपनी है, इन्हें लिडार सर्वे का काम मिला है। दोनों मिला के लिडार सर्वे का काम अभी उनका शुरू है, एक प्लेन के थ्रू, जो 4 सीटर है आप देख सकते हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, 4 सीटर ट्रेन प्लेन के थ्रू इनका सर्वे का काम शुरू है, लिडार सर्वे का। ओके, कौन और हेलिका जेवी, इन्होंने जनवरी में इसका बिड प्राइस जीता था 14.2 करोड़ में। इसका जो कंप्लीटिंग पीरियड है वो है 150 डेज, मतलब लगभग 5 मंथ। ओके, 5 मंथ में पूरा होने वाला है लिडार सर्वे का काम। और ग्राउंड्स जो इसका लिडार सर्वे का जो काम शुरू है वो लगभग करने वाले हैं 150 मीटर एरिया कवर करने वाले हैं, मतलब जहाँ से ये प्लेन का जाने वाला है वो उसके आसपास, या जो समृद्धि एक्सप्रेस वे है वहाँ से 150 मीटर्स, मतलब 150 मीटर का एरिया कवर करने वाले हैं। उसमें वो 3D मैपिंग फोटोग्राफी करके, उसको बना के डिज़ाइन करके, फिर उसमें जो स्टेशन है, जो डिपोर्ट्स, लैंड रिक्वायरमेंट फॉर कॉरिडोर्स, आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, अफेक्शन प्लॉट्स, ये सब देखकर इसका एक DPR बना के गवर्नमेंट को सौंपेंगे, और उसके बाद इस पर मंजूरी मिलने के चांसेस है। ओके, तो मतलब जो उन्होंने दी है इन्फॉर्मेशन, 150 मीटर का एरिया कवर करके पूरी मैपिंग करके ये लोग गवर्नमेंट को देने वाले हैं, इसके बाद ही वो उस पर कुछ एक्शन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट सुटेबल है या नहीं है, इसके बाद उसे मंजूरी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से इसकी एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की।
तो होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।